धर्म नगरी अयोध्या में न्यूज 18 की खबर का निरंतर असर देखने को मिल रहा है। दरअसल बीते 23 दिसंबर को एक निराश्रित बिटिया की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ चलाई थी, जिसके बाद निराश्रित बिटिया के घर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के अलावा समाज सेवी संगठनों का तांता लग गया। दरअसल रामनगरी अयोध्या के दो मासूम बच्चों जो पढ़ाई कर डॉक्टर और आर्मी में जाना चाहते थे, उनके माता पिता का देहांत होने के बाद वह दोनों बच्चे अनाथ हो गए थे, जिसकी जिम्मेदारी उन दोनों बच्चों की बड़ी माँ उठा रही थी। बीते दिनों निराश्रित बिटिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने आर्थिक सहायता की मांग की थी, जिसके बाद तमाम समाजसेवी संगठन बिटिया के साथ खड़े नजर आए। इस दरमियान बीते 17 दिसंबर को बिटिया की माताजी का निधन हो गया था, जिसके बाद बीते दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी शरद त्रिपाठी ने बिटिया के माता का अपने पूरे खर्चे के साथ 13वीं संस्कार संपन्न कराया। हालांकि मासूम बिटिया क्लास 9 की छात्रा है, जो कनौसा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, और छोटा भाई अमित वर्मा जो शहर के सुकन्या इंटर कॉलेज में क्लास 8वीं का छात्र है। जानिए क्या कुछ कहा निराश्रित बिटिया और मदद करने वाले समाज सेवी शरद बाबा ने। न्यूज़ 18 की तरफ से जो देखकर जो न्यूज़ हुआ था, मतलब तो वही हमारे यहाँ आज तेरही है, तो तेरही के लिए शरद बाबा पाठक खाना बनवा रहे हैं और उन्होंने पूरा पूर्ण योगदान दिया। और हम सबसे यही चाहते हैं कि मेरी जो समस्याएं हैं या जो भी प्रॉब्लम से उसको दूर किया जाए, और जिन लोगों ने मेरी पढ़ाई पर विश्वास किया और जो चीज़ हम अपना करियर में चाहते हैं, जो भी मतलब बनना चाहते हैं अपने आगे लाइफ में, हम उन सबसे ही प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये साथ दें कि आगे की पढ़ाई में, और सरकार से भी मुझे मदद मिले। आचल वर्मा और अमित वर्मा छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कनौसा में पढ़ रही बिटिया और वो सुकन्या में पढ़ रहे हैं, और हमने आने के बाद इनसे वादा किया था कि तेरही जैसे होती है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में तेरही बहुत मायने रखती है, तेरही संस्कार, और ये किया जाता है, और उसको हमने कराने के लिए पूरा प्रयास किया और मैंने तेरही सफलपूर्वक मैं निपटा रहा हूँ। उसी प्रकार मैंने जो पढ़ाई का वादा किया उसको भी मैं पूरा करूँगा।